विषय को लेकर आपका आप सभी को पता है कि देवभूमि केरल में राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो जो भारत माता की जय बोलने वाले कार्यकर्ता हो उनका कत्लेआम दिन पर दिन बढ़ रहा है। 200 से ज्यादा कार्यकर्ता अभी तक केरल सरकार होने के बाद में वहाँ पे 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का अपंगत्व आया है। देश भर में विद्यार्थी परिषद ने कॉल दिया है 11 नवंबर को 500 कार्यकर्ता विदर्भ से पूरे देश भर से 50,000 कार्यकर्ता केरल में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने वाले हैं। आज पूरे देश भर से लेकर विदर्भ में पूरे जिले में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। केरल सरकार जो CPM की जो माओवादियों की सरकार है वो सरकार के ऊपर आंदोलन जो हम कर रहे हैं, जो हत्या की है उनका उत्तर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, विषय में विद्यार्थी परिषद आज आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। एक आपसे और प्रश्न है, हम लोग इस देश को हिंदुस्तान बोलते हैं, तो हिंदुस्तान होने के बाद में हिंदुओं के ऊपर ऐसे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? जी यही एक प्रश्न चिन्ह विषय है कि देश में भारत माता की जय बोलने पर हत्या होती है, कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। यही विषय को लेकर हम राष्ट्रपति जी हैं जो वर्तमान में जो सरकार है सरकार के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो देवभूमि केरल है वो केरल में ऐसी हिंसा हो रही है, ये हिंसाओं पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये विषय में विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रहे हैं। पर क्यों केरल के ही लोग मतलब एक हिंदुओं के ही खिलाफ क्या इसका कारण है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? जो वहाँ के लोगों की जो मानसिकता है, केरल में जो सरकार बनी है CPM इनके रक्तरंजित क्रांति है, ये लोगों को मार के लोगों के ऊपर मार के ये वहाँ पे सत्ता हासिल कर रहे हैं, इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता और उनके ऊपर अभी तक के कुछ दबाव नहीं था, इसी वजह से विद्यार्थी परिषद ने इस बार थाना है कि वो केरल में ये सब विषय कर रहा है। पर अगर जैसे काफ़ी लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार तो सरकार को चलाने वाली अगर डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो RSS है, तो फिर RSS के व्यक्तियों के ऊपर ही हमले फिर उस हिसाब से क्यों हो रहे हैं जब आपकी सरकार खुद की होने के बाद? ये विषय 1965 से चल रहा है, जब केरल में जब से सरकार बनी है तब से, भाजपा की सरकार तो अभी बनी है, वो सरकार भारतीय जनता पार्टी है, वो संघ की और विद्यार्थी परिषद की सरकार नहीं है। ये जो हत्याओं का सिलसिला है बहुत देर से चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, पर अभी सहनशीलता खत्म हुई। अभी केरल में कुछ करना ही विषय में है और केरल में जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता उनके सपोर्ट में आज देश भर में खड़े होने वाले 11 नवंबर को चेरो केरला विषय में विद्यार्थी परिषद एक आंदोलन बड़ा आंदोलन वहाँ पे, पर वहाँ पे अभी RSS ने भी बहुत बड़ा एक कदम उठाया था और वहाँ पे मतलब उसी परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रसंचलन वहाँ पे हुआ था, तो क्या उसका कुछ मतलब परिणाम नहीं दिखाई दिया? कैसा है RSS का पथ संचल हर साल होते रहता है, इसका परिणाम हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, लोगों को अभी पता चल रहा है राष्ट्रहित काय में है और माओवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है और राष्ट्रवादी विचार क्या है, ये लोगों को पता हो रहा है, लोगों में अभी अवेयरनेस आ रहा है, वो भी अवेयरनेस आने के लिए विद्यार्थी परिषद और संघ लगातार प्रयत्न कर रहा है। ये तो पथ संचलन और ये तो हर साल चलते रहता है, हमारा है, पर एक लोगों में केरल के भी लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, केरल में भी राष्ट्रवादी विचारों के लोग अभी घर से निकल के बाहर आ रहे हैं, ये विषय में उनको सपोर्ट देने के लिए भी विद्यार्थी परिषद अभी आंदोलन कर रहा है। ये सब विषय को लेके विद्यार्थी परिषद का आज यहाँ पे प्रदर्शन है, नागपुर विदर्भ पूरे जिले में ये प्रदर्शन हो रहा है।